दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ आपके लिए है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध की आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिए। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते हैं। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वह महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। यह बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभोरिया बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित होती है वो राजा दूसरी सेना को ढेर कर देता है और पहला राजा युद्ध जीत जाता है, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हार जाएगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया हूँ, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वह महात्मा जी उस राजा से कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया है। तुम्हारी जीत का कारण यही है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा को अपना सब कुछ भाग्य पर। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज आप हम किसी समस्या में हैं तो वो सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण है और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वो सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, वो आपका भाग्य है। और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। यह आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या आपको अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। यह प्रश्न आवश्यक नहीं है
कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।